हेलो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है ऑल इंडिया पीएमटी मेंस 2012 का। अ रोड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। देखो, सबसे पहले है ना, जो भी सिचुएशन दे रखी होती है उसको एक बार विजुलाइज करो, उसको इमेजिन करो कि यार ये कहना क्या चाह रहा है। ये कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर, और एक 10 सेंटीमीटर की लेंथ है जो मैंने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दी है। ये जो मैंने मिरर लिया है, इसकी फोकल लेंथ मेरे को 10 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो, जो कॉनकेव मिरर होता है ना यार, उसकी फोकल लेंथ हमेशा माइनस में होती है, एक बात तो ध्यान रखो। इन सच अ वे दैट इट्स एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ये जो रोड है उसको इस तरह से रखा गया है कि इस रोड का वो हिस्सा जो मिरर की तरफ है वह मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ओके, ये 20 सेंटीमीटर है। अब देखो, पहली बात तो ये कि यार आपको फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है और ये डिस्टेंस 20 दे रखी है, मतलब ये वाला जो एंड है ना, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f डिस्टेंस पर होता है। तो एक बात तो हमको ये पता चल गई कि एक हिस्सा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, 2f पर है। द लेंथ ऑफ द इमेज, तो इमेज की लेंथ क्या बनेगी? तो ऐसा मान लो कि जैसे इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, उस पॉइंट को बी बोल देता हूँ। तो ये बात तो आप अच्छे से जानते ही हो कि कोई भी मिरर जो होता है उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f पे रखा होता है या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तो उसकी इमेज भी वहीं पे बनती है, ठीक बराबर साइज की बनती है ना। तो ये तो तय हुआ कि इसकी जो इमेज है वो यहीं पर बनेगी, इसकी इमेज यहीं पर बनेगी। मैं इस पॉइंट बी की इमेज निकाल लेता हूँ कि कहाँ बनेगी। अब पॉइंट बी की इमेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को ये पता है कि इस इमेज की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 20 और ये 10। तो ये वाला जो पॉइंट बी दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो मैं फोर पॉइंट बी बात कर रहा हूँ, पॉइंट बी की इमेज कहाँ बनेगी। पॉइंट बी के लिए जो यू है वो कितना हो जाएगा? 30। साइन लगाया तो -30। मैं देखना चाहता हूँ यार इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। पॉइंट ए की इमेज तो यहीं पर बन जाएगी, पॉइंट बी की इमेज कहाँ पर बनेगी? तो मैंने मिरर फॉर्मूला लगाया, 1/v + 1/u = 1/f। 1/v = 1/f - 1/u। फोकल लेंथ कितना दे रखा है? -10। एंड यू कितना दे रखा है? -30। एलसीएम ले लो आप, 30 ले लो, है ना। तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज -2/30, मतलब -1/15 हो गया। -1/15 का मतलब हो गया कि जो वी की वैल्यू है वो मेरे को -15 सेंटीमीटर मिल गई। तो अब देखो, पूरा जो मेरा पिक्चर बन रही है वो कुछ ऐसे बन रही है। ये फोकस, ये इसकी डबल डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर लेंथ की रोड रखी हुई है। इस वाले इससे ए की तो इमेज यहीं पर बन गई, एंड ये जो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जो बी था ना, उसकी इमेज यहाँ से 15 पे बनी। देखो, ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, ये यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो 15 का मतलब यहाँ हो जाएगा। तो ये लगभग जो इमेज है इसकी इस तरह से बन जाएगी, ये 15 पे इमेज बन गई, 20 पे ये वाला हिस्सा था ही। तो ये जो इमेज की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ इमेज, वो आ जाएगी बेटा ये 20 - 15 - 20 - 15, मतलब 5 सेंटीमीटर। एंड माई आंसर इज 5 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको सफलता दे।